जब से ये सरकार आई है, गरीब मजदूर किसान ये समझ लीजिए, एक तरह से इस सरकार ने इन्हीं लोगों के ऊपर अत्याचार और भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इन्हीं के ही ऊपर क्यों किया है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं मुकुंद अरबी मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर एसकेएम और सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने ज्वाइंट रूप से एक प्रदर्शन किया है। जैसे कि पहले से आप सबको ज्ञात है, जो 16 फरवरी को देश भर में किसानों का संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया था और सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने शहरी इलाकों में औद्योगिक क्षेत्रों में बंद का आह्वान किया था। दिल्ली के आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहाँ जिस तरह से कुछ बंद का हमको दिखा, जो कहीं कहीं बंद फैक्ट्री जहाँ यूनियन थी वहाँ बंद करने की कोशिश हुई, और इसके अलावा दिल्ली में संयुक्त रूप से एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम हुआ जिसमें अलग अलग सेक्टर के मजदूर और मजदूर नेता यहाँ पहुँचे जंतर मंतर पे, और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। साथ में ही जो किसानों की मांगे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल हो, चाहे नरेगा में मानदेय बढ़ाने का सवाल हो, या मजदूरों का जो 4 लेबर कोड हैं, ये सबसे बड़े इशू थे। इसके अलावा इनका डिमांड चार्टर बहुत विस्तृत है जिसमें कई सारे और मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये तीनों जो समूह हैं, खेत मजदूर के लिए मनरेगा और भूमि सुधार, और किसानों के लिए MSP और कर्जा माफ़ी, और मजदूरों के लिए जो 4 श्रम कानून है जो लेबर कोड के सकल में है जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन सब ने बात किया जो देश भर में इसका क्या असर इन लोगों के हिसाब से रहा है और क्या रिपोर्टें इनके पास आई हैं, इसके अलावा इस आंदोलन का आगे का रास्ता ये कैसे देखते हैं, और इस आज के आंदोलन के क्या संदेश देना चाहते हैं देश को और जनता को। 2014 से लेकर और अब तक 10 साल पूरे हो गए हैं, तो 10 साल में क्या वायदे किए गए थे और हमें क्या मिला? वायदा हमें अच्छे दिन का किया गया था, वायदा हमें 2 करोड़ रोजगारों का किया गया था, वायदा हमें ये किया गया था कि महिलाओं पर अत्याचार बंद होंगे, लेकिन हुआ क्या? महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। गरीब सड़क पे तब आता है जब उसको खुद अपना हक नहीं मिलता है, और जो इस तरह की जो पेट्रोल डीजल महंगा ये सब कुछ कहाँ से गरीब कर पाएगा? ये सरकार अगर देती है 1 गुना, अगर देती है तो 4 गुना ले भी लेती है मजदूर से। पिछले कई सालों से मोदी सरकार का जो गद्दारी है, किसान मजदूर के साथ गद्दारी है, वादा करके वादा खिलाफी है, MSP दाम किसान को ना देना, मजदूर के लिए 4 लेबर कोड बनाने, उसको अदानी अंबानी का गुलाम बनाने का साजिश है, इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। सारे देश में जगह जगह में चल रहा है, करीब 600 का ऊपर जिला में देश में प्रदर्शन हो रहा है, रास्ता रोका जा रहा है, रेल रोका जा रहा है, लाखों के हिसाब में लोग सड़क पे उतर रहा है और अपने जो रोष प्रदर्शन कर रहा है, और ये प्रमाणित किया है जो मोदी ने जो छवि बनाने का कोशिश किया राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, वो छवि जमीनी स्तर पर जनता ने वो छवि एक्सेप्ट करने में इनकार कर रहा है। इसका मैसेज साफ है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी समझ लें कि गांव और शहर दोनों उनसे नाराज़ हैं, मजदूर किसान उनसे नाराज़ हैं, शिक्षक विद्यार्थी महिलाएं, समाज की और जो सोशल मूवमेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, लिटरेचर के लोग हैं, इवन जो पत्रकारिता करते हैं गोदी मीडिया को छोड़ के, सभी परेशान हैं। और आज का जो हड़ताल है देश भर में, इसमें सिर्फ किसान नहीं, सारे मजदूर संगठन भी भागीदारी निभा रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा उठा है देखिए, ये सिर्फ किसानों के नहीं, ये ओवरऑल जो देश में आर्थिक जो हालत बना हुआ है उसके खिलाफ किसान मजदूर दोनों का एक जॉइंट ये इशू है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, SKM दे रिप्रेजेंट टू फार्मर्स, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस दे रिप्रेजेंट फ्रॉम वर्कर्स, agriculture workers union we are represent from crores of agriculture workers all together given this call। किसान आंदोलन जब चल रहा था उस समय पर मोदी जी ने बोला कि मैं माफी मांगता हूँ, किसानों का जो बिल है वो लागू नहीं होंगे, लेकिन फिर दोबारा से आप देख रहे हो कि जितने भी ये कॉरपोरेट घराने हैं, जो भी नीति बन रही है वो उनके लिए बन रही है, कोई भी नीति आज मजदूर किसानों के लिए नहीं बन रही है, कोई भी नीति ऐसे नहीं बन रही है जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। अपने भाई अपने सब साथियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ ये आंदोलन इसीलिए किया है कि किसान के साथ जो हो रहा है वही मजदूर के साथ हो रहा है, मजदूर और किसान एक ही
उसमें पिसे हुए हैं, तो दोनों ही मिलकर इस तरह का ये आंदोलन कर रहे हैं। नाउ मोदी दे ट्राई टू डिस्ट्रॉयिंग अवर होल इकॉनमी इन नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज आल्सो एंड द नेम ऑफ डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी दे क्रिएटिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन रूरल इंडिया। अनौपचारिक जो क्षेत्र है उसमें 50% आज महिलाएं हैं, लेकिन आज उनकी नौकरी जो है उस तलवार लटकी हुई है। तो हम सड़कों पर उतरने के अलावा, बंद करने के अलावा, हमारे पास रास्ता और क्या बचा है? आज हमारा जो खबर है, सुबह से मेरा पास 1000 के करीब फोटो आ गया पूरे हिंदुस्तान से। लोग कारखाना बंद करके रास्ता में जुलूस कर रहे हैं, गांव में किसान खेत मजदूर इकट्ठा होके किसान आके गांव-गांव में रास्ता रोको, रेल रोको, ये सब कर रहे हैं। तो ये अभूतपूर्व एक प्रतिवाद, ये प्रोटेस्ट ये आज पूरा देश में चल रहा है। पिछले 10 साल तक एक साथ कदम ताल करने का कोशिश हम लोग कर रहे थे, ये एक फोकस पॉइंट में आ गया 2020 के बाद से, जब वो फार्मर्स रैली हुआ और उसको साथ मजदूरों ने भी भागीदारी किया, उससे प्रक्रिया शुरू हो गया और आज सारे मजदूर संगठन, किसान संगठन मिलकर इसको खिलाफ आवाज उठा रहा है। जो उनकी हमेशा साजिश रहती थी मजदूर और किसान को एक दूसरे के खिलाफ करने की, जो 2020-21 में आंदोलन हुआ उसके बाद से वो कहानी अब उनकी ख़त्म हो चुकी है। मजदूर और किसान एक साथ हैं और दोनों ने मिलकर नीचे प्रसार किया है, 16 तारीख की तैयारी की है और आज 16 तारीख को एक साथ खड़े हैं, गांव और शहर आज एक साथ हैं। तो मोदी की ये नहीं चलेगी, ये मोदी भी जानते हैं नहीं चलेगी, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो झगड़े हैं उन फसादों को और धार्मिक उन्माद को बढ़ाने में लगे हैं। ये अपने आप में दिखाता है, उनको मालूम है कि जनता के मुद्दों के ऊपर वो फेल हो चुके हैं और ये भी अब उनका कार्ड नहीं चलेगा, मजदूर विरोधी किसान विरोधी दोनों को आपस में लड़ाओ नहीं चलने वाला। एक तरफ जो फार्मर लॉ जो आया था उसके साथ साथ लेबर कोड्स भी आए थे, श्रम कानून, जो श्रम कानूनों के तहत मजदूरों का हाल बहुत ही बदतर होता जा रहा है। अभी लागू नहीं हुए हैं लेकिन अगर लागू होगा तो अभी का जो हाल है इससे बहुत ख़राब स्थिति बन जाएगी। एक तो उनको यूनियन बनाने नहीं दिया जाएगा और साथ में जो है जो हायर एंड फायर चलता है सारे कारखानों में वो एकदम लीगलाइज हो जाएगा। आज सुबह खबर आई कि अलीपुर में कारखाने में आग लगने के चलते 7 मजदूरों की मौत हो गई और भी कुछ मजदूर झुलसे गए। तो इस तरह की घटना आए दिन घटते रहते हैं। तो ऑलरेडी जो है श्रम कानून ठीक तरह से लागू नहीं होते और जो कंपनियों की मनमानी है, कंपनियों की मनमानी बढ़ जाएगी, वो लीगलाइज हो जाएगी अगर नए श्रम कानून लागू हुए तो। तो इसीलिए इस मुद्दे पे मजदूर जो है किसान के समर्थन में आज खड़े हैं और जो जो गलत नीतियाँ लाए जा रहे हैं किसान मजदूर दोनों के खिलाफ, इसके खिलाफ किसान मजदूरों की संयुक्त पहलकदमी है आज ये। ऑल ओवर इंडिया मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव कंडक्टेड दिस स्ट्रगल, एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड रूरल फार्मर्स वी हैव स्टॉप्ड वर्क एंड पार्टिसिपेटेड जॉइन दिस कैंपेन सो दैट टुडे एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन वी आर वर्किंग इन 20 स्टेट्स more than 300 districts, every area we are conducting demonstrations on the roads and rallies and in front of government office also. So we warn to Narendra Modi, you should rethink, otherwise we are together. ladkiyon ka aap dekhiye shiksha ki kya halat hai, nayi shiksha niti inhone lagu kar di lekin aaj mahila jo 14 se 17 saal ki mahilaye hain वो 24% महिलाएं शिक्षा व्यवस्था से बाहर चली गई हैं। कोई भी किसान आंदोलन हो हम उसको समर्थन करते हैं, कोई भी किसान का वो एसकेएम का आंदोलन नहीं है, मगर कोई भी आंदोलन करने का हक है और किसी आंदोलन पर सरकार का गुंडागर्दी करने का हक नहीं है। हम कठोर रूप से उस पर हमला का निंदा करते हैं और जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, एसकेएम जो 5 साल से चला रहा है उसी मांग को लेकर बहुत जगह में बहुत संगठन कर रहे हैं, ये भी पंजाब हरियाणा का कुछ संगठन चला रहा है, इसमें हम ये आंदोलन तो हमारा ही आंदोलन है। सरकार के धारा 144 के बाद भी ये प्रदर्शन यहाँ पर हुआ तो आप देख सकते हैं कि इस देश के मजदूर किसानों में, इस देश की महिलाओं में जब एकता होगी तो ये ताकत कितनी मजबूत होगी कि ये किसी धारा 144 की ये गुलामी नहीं करेंगे और अपने अधिकारों को हम लेकर रहेंगे, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। उसका मेन तो मुनाफा को बढ़ाना इस सरकार का काम है, अदानी अंबानी को मुनाफा बढ़ाना है, इसलिए कालाबाजारी के हाथ में पैसा देना है, किसान से पैसा लूटो और
बड़े बड़े कंपनी को दो, ये सरकार का नीति है, इसलिए नहीं हो रहा है। आप जो बैलेंस रूप में सबको भलाई करने के लिए कोई नीति तय करो तो चल सकता है, मगर सरकार का नीति तो अलग है ना, एक गरीब विरोधी और अदानी अंबानी प्रस्त कानून है, इसलिए इसके खिलाफ हम चाहते हैं नवोदारवादी नीति को बदलो और मजदूर किसान मेहनत कश के ध्यान में रखते हुए हमारा आर्थिक नया कानून को बनाओ, ये हमारा मांग है। Couple of days we will meet and formulate future activity. We are thinking in 2024 parliament elections all together mobilize anti-BJP, anti-RSS, anti-corporate. We slogan to people should defeat BJP Narendra Modi. That campaign we are going.